नमस्कार, आप सब कैसे हो? हमारे जीवन के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हवा, पानी और भोजन। तो आज हम बात करेंगे जल के बारे में, पानी के बारे में। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पानी का हमारा मुख्य स्रोत होती है हमारी बारिश, जो हमें नेचुरली मिलती है। लेकिन आजकल आप ये देख रहे होंगे कि हमारी जो बारिश है वो कम होती जा रही है, जैसे पहले हुआ करती थी उस हिसाब से आजकल नहीं होती है। और बारिश का पता चला कि बारिश के सीजन में बारिश नहीं हो रही है और सर्दियों में बारिश हो रही है, तो हमारी रेन का अनप्रेडिक्टेबल हो जाना क्यों हो गया है? तो हमें आज इस बात का पता लगाना है। तो हमारी बारिश इसलिए ऐसा हो गई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स कम बन रहे हैं, क्योंकि हिमालयस का भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां पर इनकी बारिश कम होती है, जिससे कि हमें जल की समस्या से जूझना, तो हमें जल की समस्या से जूझना पड़ सकता है। अब हमें जल की समस्या से क्यों जूझना पड़ सकता है? क्योंकि रेन कम हो रही है हमारी, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर जो हमें मिलता है हैंडपंप के थ्रू, या फिर हम बोरिंग कराते हैं, ट्यूबवेल्स बनवाते हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चलता जा रहा है। और बारिश कम होने की वजह से ये हमारा लेवल नीचे हो रहा है। और दूसरा कारण क्या है कि हमारी पृथ्वी या हमारी धरती उतना पानी अंदर सोख नहीं पाती है। और सोख क्यों नहीं पाती है? क्योंकि हमने ज्यादातर पृथ्वी की सतह को किससे ढक दिया है? कॉन्क्रीट से। अब आप कहेंगे कॉन्क्रीट से कैसे ढक दिया हमने? क्योंकि आजकल हम इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतनी बिल्डिंग्स, इतनी सड़क, इतने हाईवेज, ये सब कुछ बन रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारे पास कच्ची मिट्टी वाली जगह बची ही नहीं है। क्योंकि कच्ची मिट्टी जहां होती है वहीं पर पानी एब्जॉर्ब करती है धरती। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आपको एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए मैंने आपके लिए एक टीएलएम भी बनाया है, ये देखिएगा आप। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, ये क्या है, ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये घर बनाया है मैंने, घर दिखाई दे रहा है आपको, यहां आपको ये कुछ बादल दिखाई दे रहा है, कुछ ये आपको बारिश की बूंदे दिखाई दे रहे हैं, यहां आपको ये पाइप इस टाइप से लगा हुआ है, जो आपने देखा होगा कि आपके घरों की छत से पानी जहां नीचे जाता है उसी तरीके से ये बनाया हुआ है। तो ये मैंने क्यों बनाया है? ये मैंने बनाया है कि जिससे कि मैं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझा सकूं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो आज हम ये पता करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हमारा जो बारिश का पानी है उसे हम अपनी छतों पर, अपने घरों की छतों पर, अपनी बिल्डिंग के घरों की छतों पर, हम इस तरह से उसको अरेंज करते हैं कि वो बारिश का पानी बहकर ना जाए, बल्कि पाइप के माध्यम से एक हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं या अंडरग्राउंड वाटर पिट बनाते हैं, जिसमें कि वो वाटर चला जाए। और इस ये पानी, आपको पता है कि जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योर वाटर होता है, इसमें खनिज लवण होते हैं पर्याप्त मात्रा में, इस ये जीवाणु रहित होता है, और आपने देखा होगा ये पीने में भी मीठा होता है। लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये सारा पानी बारिश का नालों, गंदे नालों में बहकर चला जाता है और उसका कोई यूज नहीं हो पाता। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रेन हार्वेस्टिंग मॉडल किस तरह से काम करता है। तो ये मेरे पास पानी है, मैं इस पानी को जो हमने ऊपर छत पर साफ सफाई करके, एक यहां मैंने एक टैंक लगाया है, लेकिन आप लोग कुछ और भी अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने घरों की छत पर। तो जब मैं यहां से पानी डालती हूं, यानी कि जब हमारी बारिश आएगी, तो बारिश जब आएगी तो बारिश का पानी इस तरीके से आएगा, और ये बारिश का पानी इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पाइप की हेल्प से कहां जा रहेगी, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर हमने टैंक बनाया है या हमने पिट बनाया है, ये उसमें इस तरीके से पानी सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि हमें इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्या जरूरत पड़ी? तो अभी आपने देखा कि जितना भी बारिश का पानी आया वो हमारा पाइप के थ्रू कहां गया, जो हमने पिट बना रखा है या जो हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रखा है, सारा पानी वहां स्टोर हो गया, और ये बारिश का पानी प्योर है। तो आप इस वाटर को, जो हमारा वाटर इस टैंक में आया है, इसे अत्यंत आवश्यक है।
आप इसको फिल्टर करके पीने के लायक बना सकते हो, क्योंकि पीने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। आप इससे अपनी पेड़ पौधे क्यारियों में पानी दे सकते हो, आप अपने डोमेस्टिक एनिमल्स हो तो आप उनको नहला सकते हो, आप अपनी कार वॉश कर सकते हो, गाड़ी वॉश कर सकते हो, ये सब इससे आप इस रेन वाटर से कर सकते हैं। अब आता है कि ये इतनी सरल और सस्ती प्रणाली है कि हर कोई इसे अपने घर को बनवाते टाइम इस तरह से एक टैंक को बना सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे लिए कितना यूजफुल है। अगर हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर का कोई प्लॉट है, उसमें हम घर बनाते हैं और उसमें हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम करते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 5 मेंबर्स की एक फैमिली के लिए पूरे साल जितना पानी वो पिएंगे उतना पानी केवल हमें इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मिलेगा। तो ये हमें इतना मिलेगा, यानी कि पूरी फैमिली पूरे साल पानी पी सकती है सिर्फ आपके इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो आप खुद इसे सोच सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। अगर ये तो हमने पानी यूज कर लिया, अगर हम इस पानी को यूज नहीं करते हैं, सपोज करिए आपको यूज नहीं करना है, तो क्या होगा? क्योंकि ये जमीन के अंदर बना हुआ है तो धीरे 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 क्या होगा कि हमारी जो जमीन है वो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि अपने अंदर वो इसे खींच ले जाएगी। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, यानी कि हमारे जमीन के अंदर का जो पानी है उसका लेवल हमारा ऊपर होता जाएगा और हमें पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे लाभ है, जैसे जब हमारा पानी पृथ्वी नहीं सोखती है तो हमारी क्या आती है? बाढ़ आती है। जैसा आपने सुना होगा आज मुंबई में बारिश हुई, जरा सी देर में बाढ़ आ गई। वो जरा सी देर में बाढ़ क्यों आ जाती है? पता चला जरा सी बारिश हुई और बाढ़ आ गई, क्योंकि वहां पर सब कुछ इतना कंक्रीट से ढक दिया है हमने अपनी जमीन को कि पानी धरती के अंदर जा ही नहीं पाता है। तो इससे क्या होगा? बाढ़ का खतरा कम होगा, बाढ़ कम आएंगी। दूसरा क्या होगा इसके साथ कि जहां पर अकाल या सूखे की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। सूखा कब पड़ता है? आपको पता है ना कि जब हमारा अंडरग्राउंड वाटर ही खत्म हो जाएगा या लेवल उसका बहुत नीचे चला जाएगा तो वहां पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वो इससे बचत होगी। प्लस ये पानी इतना प्योर है कि आप फिल्टर करके पीने लायक बना सकते हो, तो ये पानी हमारे पीने के काम भी आएगा। दूसरा है कि ये प्रणाली बहुत ही सरल और सस्ती है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत कम अमाउंट में ये काम आप कर सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बारिश के टाइम में जगह जगह आप एक बड़ा सा अंडरग्राउंड गड्ढा खोद सकते हो जिसमें कि बारिश का पानी हमारा जमा हो सके। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसे आप जरूरत के समय जहां आपको लग रहा है कि पानी की जरूरत है तो वहां पर हम इसे लगा सकते हैं, और केवल बारिश के पानी से ही हम अपने पानी की पूर्ति को कर सकते हैं। हमारे जो बांध होते हैं, बांधों से भी हम क्या कर सकते हैं? इस जल का संचय कर सकते हैं, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बांध बना देते हैं बहुत बड़े बड़े, उससे क्या होता है सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वो हमारे सिंचाई के काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में आता है। तो उसी तरह से हम यहाँ रेन का वाटर जो एकदम फ्री है हमारे लिए, उसे यूज करके हम अपना बहुत सारा काम, हम अपना बहुत सारा फायदा कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप ये भी जानते हैं कि पूरे देश में केवल चेन्नई एक ऐसा राज्य है जहां पर ये सरकार ने इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि अब जब भी वहां नया कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कोई भी नया घर बनेगा या कोई भी नई बिल्डिंग बनेगी, तो ओनर को, उसके मालिक को ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना ही पड़ेगा, यानी कि उसके लिए उसे ये अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा जिससे कि वहां पानी की समस्या खत्म हो जाए। तो आजकल हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की। तो इसीलिए हमें जल का संचय करना, जल की स्टोरेज हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जल को बर्बाद ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, और बारिश के पानी को जहां तक संभव हो सके उसे कलेक्ट करें, स्टोर करें और रीयूज करें।